अभी आपको दिखा रहा हूँ छोटे पुठी मछली का एक झोल में बना रहा हूँ कच्चे आम के साथ। मैं करीब करीब 150 ग्राम पुठी मछली लिया, कच्चे आम चॉपिंग करके रखा हुआ है, हरी मिर्च पेस्ट और सरसों का पेस्ट मैंने इस्तेमाल करूँगा और हल्दी और नमक प्रयोजन के अनुसार। पहले मछली को मैं नून दे दिया, थोड़ा बहुत नून दे के उसके बाद हल्दी पाउडर डालने के बाद उसको अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स कर लिया, मैं प्योरली मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, अभी जो मछली जो है इसको फ्राई करना है। अभी ये फ्राई जो पुठी मछली है मैं उतार लिया पैन से। अभी का जो प्रोसीड्यूर है बहुत इजी है। अभी मैं इसके इस्तेमाल करूँगा ब्लैक क्यूमिन डाल दिया। ब्लैक क्यूमिन डालने के बाद जो मैंगो में पीस करके रखा था अभी वो मैंगो इसमें डालना है। एक चीज़ ज़्यादा ख्याल करना है कि इसमें ज़्यादा मैंगो नहीं डालना है तो बहुत खट्टा हो जाएगा। तो मैंगो डाल दिया इधर, मैंगो डालने के बाद अभी मैं इस्तेमाल करूँगा एक चम्मच सरसों का पेस्ट, एक चम्मच सरसों का पेस्ट, एक चम्मच या हाफ चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। जो लोग ज़्यादा तीखापन पर पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हिसाब के अनुसार हल्दी पाउडर दे दिया और डालना पड़ेगा स्वाद अनुसार नमक। इसको अभी थोड़ा बहुत पकाना है। अभी देखिए इसको मैं धीमी आंच में जस्ट 2 मिनट पकाया, ज़्यादा नहीं 2 मिनट पकाया। अभी इसमें क्या करूँगा, जो मछली जो फ्राई किया हुआ था मछली का, तो मछली को मैं इधर अभी डाल दूँगा। मछली को डाल दिया, मस्त को डालने के बाद थोड़ा फ्लेम बढ़ा दिया और उसमें अभी पानी डाल दिया। ये देखना है ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा गाढ़ापन होगा। और भी थोड़ा पानी का इस्तेमाल मैंने करूँगा इधर, और मैं पानी दे दिया। अब इसको थोड़ा टाइम दीजिए बॉयल करना है। अभी देखिए इसको मैं धीमी आंच में केवल 3 से 4 मिनट ही पकाया। ये रेसिपी अभी तैयार हो गया, एक पुठी मछली का खट्टा झोल जो मैंने बनाया। अब इसको मैं गैस बंद कर दिया, अब इसको उतार देना है। अभी कच्चे आम देकर पुठी मछली का जो झोल बनाया ये बहुत ही प्रिपरेशन बहुत ही इजी है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही लाइट इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया, इसको थोड़ा खट्टापन का टेस्ट होगा तो बहुत ही सुस्वाद है डिश है। तो मैंने बनाया ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको रेसिपी पसंद आया आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।